रिजर्व कैटेगरी दे कुछ बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर मेरी जिहड़ी स्कॉलरशिप उपलब्ध है कि इस कॉलेज विच। मैं पहला भी ये जवाब दे चुका हाँ कि जो गवर्नमेंट वल्लों स्कीम है जिहड़ी भी चल रही उस स्कीम दे लाभ पात्र तुसी हर हर तरह हो हर वेले हो। कारण की है कि जो असी अवेयर नहीं हाँ और डरे हुए हाँ अपने हकों तो जाणू नहीं हाँ उदों असी इस तरह के सवाल कर रहे हो। सो तुसी एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी दे हो मिनोरिटी दे हो ओबीसी दे हो किसी भी कैटेगरी दे विद्यार्थी हो है ना जिहड़े रिजर्व ने जिन्हां नूं कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिलती है जां बेनीफिट्स मिलते हैं है ना बेनीफिशरीज भी इन्हां नूं कहा जाता है। सो तुसी उहदे हकदार हो। तुसी ये मत सोचो मैनूं कॉलेजां दे नाम लिख के आउंदे जी फलाना कॉलेज इत्थे वो स्कॉलरशिप मिलेगी फलाना कॉलेज इत्थे वो स्कॉलरशिप मिलेगी कि एडिड कॉलेज है आह वाला इत्थे मिलेगी यह गवर्नमेंट कॉलेज है यह प्राइवेट कॉलेज है इस तरह के सवाल आ रहे हैं। जिहड़ी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जां गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दी स्कीम है जिस दे लई तुसी लीगल सच्चे तौर ते एलिजिबल हो किसी भी कॉलेज विच बिना बेझिझक हो के तुसी उहदे हकदार हो प्रोवाइडेड एक एलिजिबल होवो तुहाडे कोल डॉक्यूमेंट पूरे होण और तुहानूं उहदी जानकारी होवे। फॉर एग्जाम्पल एस सी स्कॉलरशिप दी है तुसी एस सी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आशीर्वाद जां जो भी हुण इहदा नाम है वो उस ते जाके अपनी फ्रीशिप कार्ड बनाना है। फ्रीशिप कार्ड बना के टाइमली तुसी स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है और स्कॉलरशिप तुहाडे खाते विच ही होनी है। सिर्फ ये थोड़ी दुख वाली गल है कि बाकी डिग्री कॉलेज जां बाकी कोर्सेज जिहड़े ने उहनां दी फीस नहीं कटाई गई सिर्फ बीएड वालियां दी एससी बच्चियां दी फीस स्कॉलरशिप कटाई गई है। पहला पूरी मिलती हुंदी सी हुण शायद लगभग मेरे ख्याल 30 to 37 हज़ार के करीब है इन्नी है ना कोई कहिंदा है वैसे है 37 बनती है 18 एक पहले साल की है 18-17 दूसरे साल की लगभग इस तरह है पर मैनूं यह सुनने नूं जदों मिलता है कि इस साल बच्चों की इन्नी आई 15 आई या 10 आई या घट आई। सो जिन्नी भी आती है उसके तुसी हकदार हो तुहाडे खाते विच आनी है और तुसी जे फ्रीशिप कार्ड मतलब वो कॉलेज नूं पहला कॉन्टैक्ट तुसी करदे हो कि मैं फीस नहीं दे रहा है ना तो क्योंकि मैं एलिजिबल हाँ और वो वाली फीस मैं उन्होंने देवांगा। बाकी क्योंकि कॉलेज भी डाउन च जाते जी 1,27,000 की नॉर्मल फीस है वह जे कॉलेज इन्ने घट च जा रहा है तो कई कॉलेज कॉम्प्रोमाइज कैंडीडेट भी कर लेंगे कि यूनिवर्सिटी फीस असी देवे स्टूडेंट रिटर्न दे देंगे ज इन्नी फीस दे देंगे बाकी स्कॉलरशिप आ जाएगी वो तुम्हें फिर भी काफ़ी सस्ती पै जाती है थोड़ा आपसी मामला है। मैं ये भी मैं फेवर च नहीं हाँ कि कॉलेज भी घाटे जाए उन्होंने भी रिसोर्स वरतने हैं हाँ पर तुसी एलिजिबल हो तुम हर जगह मिलेगी विद ड्यू रिस्पैक्ट तुसी स्टैप्स नू पूरा करो फ्रीशिप कार्ड बनाओ इस तरह ओबीसी की है जां मिनोरिटीज़ की है। तो दूसरी गल नैक ने इत्थे लिख के दसदा जिहड़ी नैक है ये करवाउणी हर बीएड कॉलेज लई 2024 तक करवाउणी हर हालत विच जरूरी हो गई है। उस विच ये कहा गया है कि जो 2024 तक तुसी बीएड कॉलेज बाकी कॉलेज भी जे नैक नहीं करवा लेंदे एक्रीडिशन नहीं करा लेंदे बहुत इंटेंसिव एक्सटेंसिव खर्चे वाली ये जिहड़ी है इंस्पैक्शन हुंदी है सो वो जब तक नहीं जे नहीं करा लेंदे ते तुहानू तुसी एलिजिबल नहीं होगे ये जिन्नियां एस सी जां जिन्नियां भी स्कॉलरशिप स्कीम ने वो गवर्नमेंट वल्लों है उस कॉलेज विच वो सीटां फिल नहीं करनगियां। इट मीनस ये 2024 उस तो पहला तुसी किसी भी कॉलेज एलिजिबल हाँ हाँ उदो तुहानू ये पुछना पेगा उस कॉलेज के अगे नैक लिखिया एक्रीडिट लिखिया होएगा और वो एलिजिबल होणगे। दूसरी ये भी गल हो जा रही है नाल कि एस सी बच्चों की हाजिरी लई गवर्नमेंट जिहड़े बायोमैट्रिक्स लगा रही है क्योंकि एलिजिबिलिटी दे विच यह भी आता है कि एससी बच्चे जी उन्होंने फीस माफ हो रही है स्कॉलरशिप मिल रही है तो वह हाजिरी 75% पूरी होएगी। इस तरह के कई रिकॉर्ड जिहड़े आ भेजने होंगे उस तो बाद फीस आती है स्कॉलरशिप आती है। सो मतलब यह सच सी जो तुहाडे सामने रखिया है लास्ट विच बेझिझक होके तुसीं एलिजिबल हो तो हर कॉलेज विच हजे क्योंकि 2024 तो पहला है इसलिए तुसीं जा सकते हो स्कॉलरशिप लै सकते हो उहदे हकदार तुसीं हो एलिजिबल हो। थैंक यू।